ये था मेरा आज का मेकअप लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे पर्सनली। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। एंड ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी फ्रेंड को, सो थैंक्स टू यू मेरा इतना ब्यूटीफुल था मेकअप लुक क्रिएट करने का। और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर करना है आप लोगों को मेरा चैनल। और इसमें आपको मेकअप ही नहीं, ब्यूटी से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। एंड मैं अपना पार्लर भी ओपन कर रही हूँ, तो जो भी उसमें वर्क होगा ना गाइज, वो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि पार्लर में कैसे हम वर्क करते हैं। और जो भी मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका रिव्यू मैं आपको दूंगी। और मेकअप लुक्स तो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे डे टू डे बेसिस पे, और अभी वीडियोस आना स्टार्ट हुए हैं चैनल पे, तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आता है और मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने भावना का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आपको करना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेहाज मेकअप आर्ट आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और हमें खूब सारा सपोर्ट करना है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फनी वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। बिहाइंड द सीन हमने बहुत मस्ती की है बेसिकली। एक्चुअली हम इतने टाइम के बाद एक दूसरे को मिले, बहुत टाइम के बाद, और अभी हम ज़्यादा बातें करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो गए, तो इसलिए शॉर्ट में हम निपटा देते हैं। तो बस मैं दोबारा यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सो भावना का फेस ऑलरेडी यहाँ पर क्लीन है, इसलिए मैं ओनली मैसेलर वाटर से उसके फेस को क्लीन कर रही हूँ। देन यहाँ पे गपशप मस्ती चली रही है हमारी। वैसे मुझे पूरा 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 यकीन है, तो इसके ना मेकअप इतने अच्छे होते हैं ना यार, मतलब क्या बताऊँ। सीरम लगा के अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हम प्रेप कर लेंगे, मॉइस्चराइज कर लेंगे। देन यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ करें, जहाँ पे भी आपके ओपन पोर्स है वहाँ पे आपको प्राइमर लगाना है। ये रिंकल्स को हाइड करता है, स्किन को स्मूथ करता है, आपके फाउंडेशन को होल्ड करता है। सो अच्छे से लगा लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं NYB का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। भावना की स्किन जो है वो धूप में शूट कर करके आप लोगों के लिए वो वीडियोस बनाती है, और छत पे जाके वो लुक बुक बनाती है अपने साड़ीज़ में, तो इसकी वजह से उसका फेस जो है वो फोरहेड बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं उसके फेस को कलर करेक्ट कर रही हूँ। जो भी एरिया डार्क है टैन है वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। गाइस अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है ना, प्लीज़ इसे कमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्लियर करेगी। मैं मुझे मेकअप करना नहीं आता था ना, मैं भी इन्हीं मैडम से पूछती थी। चलिए स्टार्ट करिए। तो अपने कलर करेक्टर को अच्छे से हम लूज पाउडर से सेट कर लेंगे और लॉक कर लेंगे, ताकि हमारे फाउंडेशन में मिक्स ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करना। आप यहाँ पे मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, 128 वार्म न्यूड। एंड जितने एरिया में आपको फाउंडेशन पहले ब्लेंड करना है, उतने ही एरिया में आपको डॉट लगानी है। अगर आप पूरे फेस पे डॉट कर लेते हो, ये थोड़ा ड्रायर साइड में होता है फाउंडेशन, और ये आपकी स्किन में स्टिक हो जाता है डॉट, और वो ब्लेंड नहीं हो पाता है। तो पहले हाफ फेस पे आप लगा लो, या आपको लगता है कि मैं जितना एरिया पहले ब्लेंड कर सकती हूँ लगा सकती हूँ, उतने एरिया पे आप लगा लो, देन ब्लेंड कर दो। एंड यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, NYB अफोर्डेबल कंसीलर ढूंढ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। देन मैं यहाँ पे आईज में क्रीसिंग ना हो, इसीलिए मैं इसको लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम NYB का कंसीलर यूज़ करेंगे। यूजुअली कंसीलर्स हमें अपने उन पार्ट पे लगाना होता है जिन्हें हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि अंडर दी आई, फोरहेड एंड ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो। लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो अब यहाँ पे हम कॉन्टोर यूज़ करेंगे। सो कॉन्टोर के लिए ये मुझे यहाँ पे फ्लाइंग किस भी मिल चुका है। सो कॉन्टोर के लिए हम यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रहे हैं। एंड कॉन्टोर एक ऐसी टेक्निक है जो आपके फेस में डायमेंशंस को ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड अंडर द जॉ लाइन, साइड ऑफ द नोज और साइड ऑफ द टेम्पल्स पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस को हम और छोटा दिखाने के लिए अपने हेयर लाइन के साइड में भी कॉन्टोर को यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ पे भी मुझे एक्स्ट्रा एरिया लगता है, मैं उसको अपने फेस को अच्छी सी शेप देने के लिए वहाँ पे कॉन्टोर लगा लूँगी। मुझे फिंगर से ब्लेंडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी फिंगर की वॉर्म्थ से प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आप चाहो तो आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो और ब्रशेज भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस क्रीम कॉन्टोर को पाउडर कॉन्टोर से सेट कर लूँगी। ये कलर बार की हाईलाइटिंग एंड कॉन्टोर किट है। सो जहाँ जहाँ पे भी हमने अपना क्रीम कॉन्टोर लगाया था, वहाँ पे हम पाउडर कॉन्टोर से सेट कर लेंगे। इससे एक एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाती है हमारे कॉन्टोर को। एंड नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एट द एंड मैं नेक पे पैन स्टिक यूज़ करूँगी, जिससे हमारे फेस और नेक का कलर सेम लगे।
आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपने फेस को सेट करेंगे। सेटिंग पाउडर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट हो जाता है और एक मैट फिनिश मिलती है। तो यहाँ पर मैं कलर बार का यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये काफ़ी अच्छा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अपने कॉन्टूर को शार्प करने के लिए भी हम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे मैंने ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाया, हमारा कॉन्टूर और ज़्यादा शार्प हो गया है, फेस को एक मैट फिनिश मिल गई है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए वो एरिया जहाँ पर मैंने यूज़ किया है पाउडर। एंड देन ब्लश जो है भावना को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्लश है, ये एक पीची पिंकी सा ब्लश है और मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है, आप जो भी ब्लश यूज़ करते हो वो अपने नोज़ पे भी यूज़ करते हो। तो देख सकते हो भावना बोल रही है मुझे पर्सनली ब्लशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, शी लाइक्स ब्लशेज़ अ लॉट। सो देखिए कितना प्यारा लग रहा है फेस। बेस मेकअप हमारा डन है, अब हम सिर्फ हाईलाइटिंग करनी है। तो हम हाईलाइटर जो है वो चीक बोन्स पे अप्लाई करते हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, टिप ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड्स बो पे, अच्छे से अपने टेम्पल पे हम जो है वो हाईलाइटर यूज़ कर लेंगे। एंड मैं थोड़ा सा हाईलाइटर चीक्स पे भी अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा ग्लोई लगता है आपका पूरा मेकअप लुक। तो आप देख सकते हैं भावना का फेस, मतलब हाईलाइटर लगाते ही कितना ग्लोइंग हो गया है हमारा मेकअप। देन मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, सो पहले मैं इस पुली से अच्छे से आईब्रोज़ को कॉम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, एक डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का शेड मिक्स करके यहाँ पे मैं भावना के आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। एक टिप है यहाँ पे आपके लिए, जब भी आप बहुत ब्यूटीफुल आर्च बनाना चाहते हो तो जहाँ पे आपका आर्च होता है ना वहाँ से अपने आईब्रोज़ को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे, देन आप अगर अपने आईब्रो फिल करते हो तो आपका आर्च बहुत प्यारा बनता है। तो ये एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर फॉलो कर। देन भावना की आईब्रोज़ को और ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इससे आपकी आईब्रोज़ और ज़्यादा डिफाइन हो जाती हैं। सो ये हो गया। अब हम यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहले मैं यहाँ पर अपना ट्रांजिशन कलर लगाऊंगी, जो कि हम क्रीज लाइन से जस्ट अबव लगाते हैं। तो मैं एक ऑरेंज कलर ले रही हूँ भावना की क्रीज लाइन पे ब्लेंड करने के लिए। एंड जो लुक हम यहाँ पे रखेंगे वो हम पर्पल स्मोकी काइंड ऑफ लुक रखेंगे, क्योंकि इनकी साड़ी जो है वो पर्पल है। तो भावना को वैसा ही ब्यूटीफुल सा लुक चाहिए था जो उसकी साड़ी के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। सो हम यहाँ पर धीरे धीरे ब्रश के जो स्ट्रोक है वो आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन ब्लेंड करते हुए आपको अपने ब्रश को चलाना है। मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको ब्रशेस जो है वो कैसे होल्ड करना है और कैसे आपको ब्लेंडिंग करनी है। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन आपको और भी आगे मैं बहुत सारी जो टेक्निक्स है वो बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं ना मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। अब मैं यहाँ पे डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ, पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रहे हैं हम, और ताकि हमारी क्रीज लाइन जो है वो और ज़्यादा डिफाइन हो जाए। मैंने आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है आई मेकअप की, ब्लेंडिंग इज़ द की। और मैं आपको आगे और भी ज़्यादा ईजी आई मेकअप की टेक्निक्स बताऊँगी जिसमें आप बहुत ही कम एफर्ट में बहुत अच्छा आई मेकअप कर पाओगे, क्योंकि मेकअप में अगर आप टेक्निक फॉलो करते हो और ट्रिक्स के साथ करते हो ना तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको लगता है देखने में कि हम नहीं कर पाएंगे। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है मेरा आई मेकअप। और एंड आउटर वी पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक और पर्पल शेड मिक्स करके अपनी आईज़ को डेप्थ देने के लिए यूज़ किया है। देन मैं यहाँ पे क्रीज कट कर रही हूँ भावना की। क्रीज कट करने से क्या होता है, जब अब भी आप कट क्रीज मेकअप लुक क्रिएट करते हो तो आपकी आई शेडो बहुत ही अच्छे से उभर के आते हैं। देन आजकल तो कट क्रीज मेकअप इतना ट्रेंडिंग है ना, कुछ आए ना आए आपको कट क्रीज बनाना तो डेफिनेटली आना चाहिए। इससे आपका कोई भी बेसिक से बेसिक मेकअप भी ना बहुत ही प्यारा लगता है। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मैंने कट क्रीज यहाँ पे क्रिएट किया और एक आँखों का लुक बहुत चेंज हो जाता है। आजकल कट क्रीज बहुत ट्रेंड में, आप ज़रूर ट्राई करना और मैं आपको इजीली कट क्रीज कैसे क्रिएट करती है वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब यूज़ कर रही हूँ पर्पल शेड, क्योंकि पर्पल साड़ी है भावना की। तो धीरे धीरे हम फ्लैट शेडर ब्रश पे कलर लेंगे और उसे पैट करते जाएंगे। आपको कलर को जो है वो ब्लेंड नहीं करना है, जस्ट आपको पैट करना है जिससे कि कलर आपकी आईज़ पे नज़र आएगा। देन आगे मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे इनर कॉर्नर पर एक ब्यूटीफुल सा शैम्पेन कलर यूज़ कर रही हूँ। देन हम लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे मी ऑन का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये वाटरप्रूफ लाइनर है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो आने वाले वीडियोस में आप सबके साथ में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे ब्रांड भी शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए कम बजट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एक विंग ड्रॉ करते हुए मैं यहाँ पर लाइनर लगा लूँगी। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर 3D मिंक लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। 3D लैशेज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो अब आप टिच कर दीजिए उन प्लास्टिक की लैशेज़ को और आप यहाँ पे 3D लैशेज़ ही यूज़ कीजिए। 3D लैशेज़ बहुत अच्छा इफेक्ट देती है और मतलब बहुत ही नेचुरल लगती है 3D लैशेज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, एकदम आई लुक चेंज हो जाता है। सो अदरवाइज़ हमने ऑफ कैमरा डन कर ली है।
अब हम यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करें। ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है मैट और इसका शेड बहुत प्यारा है, ब्राउन शेड है। बस मेकअप हमारा यहाँ पे फोकस हमारा मेनली आईज़ पर है, तो आईज़ हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत डार्क आईज़ की है। तो लिपस्टिक हम ऑलवेज यहाँ पे सटल यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी मेकअप करते हो, आप आईज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाते हो, आपको लिप्स बहुत सटल रखने हैं। अगर आप आई मेकअप बहुत लाइट करते हो तो आपको लिप्स अपने जो है वो डार्क भी रख सकते हो। नाउ वी आर अप्लाइंग मस्कारा। तो यहाँ पे मालियों का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड दिस वाटरप्रूफ मस्कारा इज़ ऑसम। अगर आप लोग कोई बहुत अच्छा मस्कारा ट्राई करना चाहते हो तो आप ये मस्कारा डेफिनेटली ले सकते हो। ये मेबलिन के मस्कारा जो है उन सबको बीट कर दिया इस मस्कारा ने, एंड वॉश करने के बाद भी ये आपकी लैशेस से नहीं जाता है अच्छे। अगर आप अच्छे मस्कारे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे यूज़ करें मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे है एंड मेकअप पूरा सेट हो जाता है ये एक और फ्लाइंग के साथ सबके लिए भावना की तरफ से। सो गाइस एज यू कैन सी माय लुक इज़ डन एंड मुझे बहुत 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 ही प्यारा सा लुक लग रहा है। तो मतलब सबसे पहले तो आप लोग आंखों को देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी फ्रेंड का चैनल स्टार्ट होने वाला है और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है ना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक आप लोगों को कुछ भी पूछना है ना तो उसको कॉमेंट करना, वो आप लोगों के हर चीज़ का रिप्लाई करेगी। एंड मैं चाहूँगी आप लोग बहुत सारा प्यार